मुझे होली से थोड़ा सा डर लगता है एज अ, तो आई डोंट सेलिब्रेट होली लाइक दैट. कलर वालर आई फील के वो स्किन पे एलर्जी वालर्जी होता है, तो प्लीज बी वेरी सेफ और दूसरों का ख्याल रखना. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान रिएक्शन. मैंने आज इन्हीं वीडियो पर रिएक्शन लेगा, इसका टाइटल है होली एक बकवास खेल है, मुझे इससे एलर्जी है. आलिया भट्ट का होली मनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब. आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आलिया भट्ट ने होली पर क्या बोला है. उसके बाद एक लड़की डॉक्टर जाकिर नायक सर से भी होली के बारे में पूछती है, तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर ने उसको क्या जवाब दिया है. वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. और जब पहली बार आया तो चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना है. तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं. त्योहार भी आ रहा है होली का, तो होली किस तरह मनाती हैं आलिया? होली मुझे होली से थोड़ा सा डर लगता है एज अ किड. आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, बट कलर वालर आई फील के वो स्किन पे एलर्जी वालर्जी होता है, तो आई डोंट सेलिब्रेट होली लाइक दैट. बट यूजली होली के दिन तो छुट्टियाँ होती थी, तो देन दैट यूज टू बी वन मोमेंट वेर यू कैन डू नथिंग एंड जस्ट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. तो वो आई थिंक आई चेरिश द मोस्ट. बट आई डोंट प्ले होली, बट आई वुड वॉन्ट टू से टू एवरीबडी हु वाज प्लेइंग होली, प्लीज प्लीज बी वेरी सेफ और दूसरों का ख्याल रखना. दूर से बलून फेंकोगे, कभी आँख में लग सकता है, कभी कहाँ लग सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल. गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में. मैं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज करना अलाउड नहीं है. मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों. मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज करना हराम है. ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है के रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है. लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मजाहब में जो चीज है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है. तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं. लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं, तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है. लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है. बट फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं. जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है. तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है. अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो. तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. क्या हम गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में शमूलियत नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर बाहिमी भाईचारा बढ़ाने की सूरत क्या हो सकती है? जनाब जाकिर साहब, सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्योहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा. अक्सर जितने भी त्यौहार थे गैर मुसलमानों के वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है. ऐसा कोई एकाध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है. तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क ना करे, शरीयत को ना तोड़े, लेकिन उनको दावत दे. मैं जाता हूं उनके त्योहारात में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं. अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं. लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा, लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोकोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा. लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना.
तो शराबी का साथ देना भी हराम है। लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं, खुल्लम डायरेक्ट दावा देता हूं ये शराब हराम है। और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छा कर रहे, डरते क्या, मिनिस्टर भी होन दो, डरने का नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें, और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग। पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना, और वो ही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी, दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं, कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्यौहार में, त्यौहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का। और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्यौहार में आप दावत कर सकते, तो आपको त्यौहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्यौहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। तो त्यौहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिर्क मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है, लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम अज कम त्यौहार से दूर रह दी। तो गाइस ये थी वीडियो, में उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। गाइस मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।